नमस्कार वह राम राम है सर आपका। आप भी छोटी सी बच्ची हो, कोई खास कलाकार नहीं जो कि अपने समायु बेहदा को गदगद कर सके, किसी से खिला सके, अपना प्रफुल्लित कर सके, लेकिन मेरे मुख से जो भी शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मल्ला आकर शांति से सुनेंगे। कहा कवि ने कि ऐसी वाणी बोलिए, भैया जी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, अरे औरत को शीतल करे तो आपको शीतल हो। तो आइए चलते हैं, लिखाए कवि ने अपनी कलम के द्वारा बड़े सुंदर शब्दों में भैया जी का जवाब दिया है। चलती से घूंघट पट सर जो भी मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है और बताया है, अगर कुछ गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहूंगी। भैया जी क्या लिखा है, जगमग है तारे सूरज
तारे सूरज बसे चंद्रमा, क्यों गंगा यमुना बहे तिरुपेनी, अरे गंगा यमुना बहे तिरुपेनी, और अरे या में लगे रही स्वर्ग असेंदी। क्या बात है अंकल जी, क्या लिखा है? अरे गंगा यमुना बहे तिरुपेनी, और या में लग रही स्वर्ग नसेनी। और ये एक से कब्रिस्कार मेरी नन्ही मुन्नी छोटी सी बहन वर्षा इन गौरी देती है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या लिखा है? अरे घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा तारे सूरज बसे चंद्रमा, हाँ जी। और एक सौ नमस्कार हमारे आदरणीय श्रीमान जी पदम सिंह कुमार सेंटर ने, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। या में बैठो सुंदर सुआ, और उल्टो जग से भर रहो हुआ, पता है किस काया के अंदर एक जल से उल्टा कुआ भरा हुआ है। क्या कहा? हाँ जी। और एक से का पुरस्कार श्रीमान सुवेदार नेम सिंह जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या कहा? अरे गंगा यमुना बहे तिरुपेनी, या में लग रही स्वर्ग नसेनी, या में बैठो सुंदर सुआ, और क्या। और ये एक सौ का पुरस्कार आदर श्रीमान जी जगजीत भगत जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या लिखा है? अरे घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा, हाँ जी। अरे कमल का पुरस्कार हमारे श्रीमान हवलदार बतुल सिंह जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या लिखा है? अरे घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा तारे सूरज फसे चंद्रमा, गंगा यमुना बहे तिरुपेनी, या में लग रही स्वर्ग नसेनी, और क्या या में बैठ सुंदर सुआ, अरे चल से उल्टो भर रहो कुआ, क्यों बताया है किस काया के अंदर उल्टा कुआ भरा हुआ है। एक परिहारण आती है पानी लेने के लिए भैया जी, और क्या कहा? चल से उल्टो भर रहो कुआ, क्यों। और भैया जी लिखा क्या? से मिलान भैया जी, क्या लाया लाया।
दिन है भैया जी महाशिवरात्रि, कहते हैं टिट भोर जैसे को नेता। आज के इस दिन को नजर में रखते हुए आइए चलते हैं, कौन भोले बाबा और माँ पार्वती दोनों जंगल में भ्रमण करने के लिए आ जाते हैं। इधर राजा हरिचंद भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आ जाते हैं। इधर जवाब दिया है कि बाई बनी ते घूमत घूमत, कौन? अरे बाई बनी ते घूमत घूमत रहे सिर पार्वती चाहिए, अरे हरिचंद को देख सबने ऐसी लवज। सुनाइए कि धर्मवीर और करमवीर में क्या कहा, अरे धर्मवीर और करमवीर में दया वीर सुज्ञानी और ये दान में अच्छो। प्रेमी सज्जनों, आज जैसे इतने शब्दों को सुना, माँ पार्वती ने जवाब दिया, हे भोलेनाथ हे प्राणनाथ मेरी बात तो सुनो। क्या कहा भैया जी? कि बहुत देर से सुन रही मैं। क्या कहा? हाँ, अरे बहुत देर से सुन रही मैं और कहता रहे तुम का, अरे मिले इजाजत आज मोई में लू भूप कि संब कहे तू सुन ले गोरा। इधर भगवान शंकर को हंसी आ जाती है, कहा कि संब कहे तू सुन ले गोरा, अरे पूरी कर ले इच्छाएं, अरे जैसी चाहे तू हरिचंद की ले ले इच्छाएं। कि गोरा कहे, क्या कहा? अरे गोरा कहे, हाँ जी, और एक कैमरे का पुरस्कार आदरणीय श्रीमान जी प्रीतम सिंह जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहा? गोरा कहे ये सफल हो तो वरदान दऊं सुन अर्जी और नहीं श्राप दऊं मेरे। इधर भोलेनाथ जी को गुस्सा आ जाता है, माँ पार्वती को क्या दे देते हैं। गौर करेंगे सज्जनों, आज किस तरीके से माँ पार्वती अपना भेष बदल लेती है और जाने लगी। भैया जी सुनेंगे क्या? क्या कहा? भरत घर चंडाल निको भेष बिखर रहे और के स्वरूप राधिका जो नाम धरे उन्हें
चलते चहे और हाजी और एक का पुरस्कार मेरा छोटा सा नन्ना सा भाई गौरव सिंह नमस्ते कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद साहब क्या लिखा है अरे देख लिए गांव से है दूध भी उगलते चहे दुनिया ये तरफ की पानी हो रही इसी बीच एक साइड का पुरस्कार हमारे आदरणीय सरपंच साहब क्या नाम जी देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद साहब क्या लिखा है अरे दया और धर्म की हया और शर्म की भैया जी दया और धर्म की हया और शर्म की देख लो बाजारों में भी कमी हो बच्ची के लिए नाम फरमाते बार बार धन्यवाद हाँ जी इधर जवाब दिया है कि हाथ पाम जाके सबरे का पे क्या कहा भैया जी हाथ पाम जाके सबरे का पे और हे गई बहुत उमरिया अरे भारी भरकम बोझ भाने आने भरे लई आज भरिया है कि पहले ना कोई पढ़ के देखे क्या कहा भैया जी कि पहले ना कोई पढ़ के देखे और जो विधना को लेखो और यानी राजा आमद देखो राजा हरिचंद को जब आते हुए देखा गौर करेंगे आज इधर वो बुढ़िया विचार कर रही है मन में सोच रही है और भैया जी उस अपने बोझ को उठाने लगी वो बोझ उठाया नहीं जाता है गौर करेंगे क्या लिखा आगे भैया जी क्या हुआ इधर हम भैया की एक अकल चले ना और आवाज सुनी
पीछे मुड़कर देखा, गौर करेंगे, इधर रानी को जवाब दिया है और सुनेंगे वो बुढ़िया किस तरीके से राजा से विनती कर रही है। भैया जी क्या हमारो है बोझ शीश पे, हेरे बोझ शीश पे भरवाई दे तू, दे दे तनम नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकुला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड कठुमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें।